हाय, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.N. इस क्वेश्चन में बोला गया है, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैन बी कंप्यूटेड बाय द साइन लॉ व्हेन टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड द एंगल बिटवीन देम आर नोन। तो एरिया क्या होगा, मतलब कि हमें एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके अंदर की हमारे पास में अगर दो साइड्स दी हुई हैं और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, तो उस एरिया को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय साइन एंगल जो भी उसका थीटा आएगा जो रेडियन के अंदर होगा, उसको कैलकुलेशन करने के बाद में उसका एरिया निकल जाता है। अब हमें क्या दिया हुआ है, गिवन द फॉलोइंग 6 ट्रायंगुलर पीस ऑफ वर्क की पीस ऑफ लैंड राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड देयर एरिया एंड डिटरमाइन विच इज लार्जेस्ट। कि हमें जो फाइंड करना है कि सभी आइटम एक पीस ऑफ लैंड के अंदर जितने भी टुकड़े हैं उन सबके लैंड निकालनी है, लैंड का एरिया निकालना है और कौन सा ग्रेटेस्ट है वो हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो एरिया जो निकलेगा, जैसे हमारे पास में ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल की साइड ए होगी, साइड बी होगी और एंगल होगा बिटवीन साइड ए एंड साइड बी। तो उस कंडीशन के अंदर जब एरिया जब हम निकालेंगे तो एरिया क्या आएगा, प्रोग्रामेटिकली हम इम्प्लीमेंट करते क्या होगा, ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई साइन जो भी एंगल इसके अंदर आएगा एक्स वाई जेड। अब इन सबको हम मल्टीप्लाइड कर दिया, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, टू से, तो ये निकल जाएगा हमारे पास में एरिया। तो ये सारी हमारे पास में जो एरिया निकल रहा है फ्लोटिंग टाइप के अंदर, साइड ए है, फ्लोटिंग साइड बी है और एंगल भी हमारे पास में फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू का निकलेगा। तो जो एरिया जो निकल गया अल्टीमेटली हमारे पास में फ्लोटिंग टाइप की वैल्यूज निकलेगी। तो हमें अगर कंपेयर करना है तो या तो हमारे पास में जो 6 दे रखी है तो उतनी ही हम एरिया निकालेंगे, साइड ए के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करें, साइड बी के लिए 6 वेरिएबल डिक्लेयर करें, एंगल के लिए 6 वेरिएबल डिक्लेयर करें। इसकी बजाय अगर हम केवल और केवल क्या करें कि डिवाइड क्या कर देंगे, ए साइड के हमने जितने एंगल 6 वेरिएबल्स आए और बी साइड के 6 वेरिएबल, उनकी जगह हम 2 एरिया डिक्लेयर कर दें जो कि हमारे पास में ए एंड बी को डिनोट करेंगे और एंगल के अलग से एरिया डिक्लेयर कर दें, तो हमारे पास में केवल 3 एरिया डिक्लेयर करने से हमारे पास में पूरा काम हो जाएगा। उसके बाद में उनकी वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं एक एरे के अंदर ही। तो इस तरीके से हम इन सारी चीजों को स्टोर करेंगे ताकि हमारे पास में मल्टीपल वेरिएबल्स को स्टोर ना करना पड़े। तो हम चलेंगे इसके अंदर प्रोग्राम के थ्रू कि किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले तो चलते फाइल हम ओपन कर लिए, फाइल को सेव कर देते हैं किस नाम से, CH14_CN.C #include stdio.h #include conio.h। अब हमें इसके अंदर साइन यूज करना पड़ेगा जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब कि मैथमेटिकल फंक्शन है। मैथमेटिकल फंक्शन को अगर हमें एक्सेस करना है सी लैंग्वेज के अंदर तो हमारे पास उसकी हेडर फाइल बनी हुई है कौन सी, math.h। तो हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी कौन सी, math.h #include math.h void main clrscr for clearing the screen gtch for holding the screen। ये हमारे पास में प्रोग्राम का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वेरिएबल डिक्लेयर किस तरीके करना है, प्लॉट, प्लॉट में क्या, साइड ए कितने हमारे पास में 6, ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, इसकी जो वैल्यूज होगी हम यहाँ पे असाइन कर देंगे इसको। उसी तरीके से प्लॉट बी भी डिक्लेयर कर देंगे 6 का, ये वैल्यूज को असाइन कर देंगे। इसके बाद में एक और वेरिएबल हम लेंगे कौन सा, एंगल का, एंगल ये भी कितने 6 एंगल से होंगे, इनकी वैल्यूज को भी हम यहाँ पे असाइन कर देंगे। अब हमें निकालना क्या है, एरिया। तो एरिया नाम का एक हमने फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल ले लिया, 6 ट्रायंगल हैं तो इनके एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया को स्टोर करने के लिए हमारे पास में 6 वेरिएबल होने चाहिए, 6 वेरिएबल होंगे तो मतलब कि हमारे पास में एक एरे लेना है जिसकी लेंथ होगी 6। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो भी वैल्यूज आई है वो वैल्यूज को इसके अंदर एड करवा देते हैं कि किस तरीके से वैल्यूज निकल रही है। वैल्यू जा रही है हमारे पास में, ए के अंदर आ रही है 137.4,
155.2, 149.3, 160.0, 155.6, 149.7। ये हो गया वेरिएबल ए, मतलब साइड ए। अब हम बात करते हैं साइड बी के। साइड बी के अंदर हमारे पास में कह रहा है 80.9, सेकंड है 92.62, उसके बाद में हमारे पास में था 97.93, उसके बाद हमारा 100.25, 68.95, 120। ये हो गया साइड बी। अब हम निकालते हैं इसके अंदर एंट्री कर लेते हैं एंगल की। एंगल क्या रहे हमारे पास में 0.78, 0.89, 1.35, 9.00, 1.25, 1.75। तो ये हमने सारी सारी वेरिएबल्स को स्टोर कर लिया। तो अब इन वेरिएबल्स को ट्रेवर्स करने के लिए कौन सी वेरिएबल लेंगे हम? एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का, जिसको नाम देते हैं आई, इंट आई। इसको यूज करेंगे इसको ट्रेवर्स करने के लिए। तो देखिए अब हम इसके अंदर प्रिंट करते हुए चलेंगे कि जो हमारे पास में जो लिया हुआ है वो सेम है कि नहीं है। फोर आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन सिक्स, आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ स्लैश एन, सबसे पहले हम प्रिंट करवाएंगे साइड ए को, ये हो गया परसेंट है। उसके बाद में ले लेंगे हम स्लैश टी, उसके बाद हम करा रहे हैं साइड बी को, उसके बाद हमने वापस से टैप दे दिया, उसके बाद हम करेंगे किसको? एंगल को प्रिंट। तो किस तरीके से करेंगे? ए आई बी आई एंगल आई। अगर जहां पे हम एक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए लिखते हैं, सेम लाइन तीन लिखते हैं, तो एक लाइन के अंदर हमने सारा काम हमारा कर दिया है। अब इसको हम प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास में जो प्रिंट आना चाहिए था वो प्रिंट आया है या नहीं आया है। 137.39994, तो ये इसने फ्लोटिंग टाइप की जो वैल्यू थी 137 को इसने कन्वर्ट कर दिया किसने? डॉट फोर को क्या कर दिया? 399 करके फ्लोटिंग टाइप की जो वेरिएबल थी उस तरीके से इसने चेंज कर दिया कि हमारे पास में वैल्यू जैसी वैसी आ चुकी है। अब हमें इसे क्या करना है? एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें फॉर्मूला निकालना है। क्या ये सब कुछ आ गया? तो देखिए फॉर्मूले के अंदर क्या करना है हमें? एरिया आई की वैल्यू को हम स्टोर करेंगे कैसे? सबसे पहले तो हमें क्या करना था? मल्टीप्लाई किसको करना था? ए आई साइड ए को मल्टीप्लाई करना था साइड बी के साथ। ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना था किसके साथ में? साइन एंगल के साथ में। साइन एंगल कौन सा था हमारे पास में? एंगल आई। ये सब कुछ आ गया। इसके बाद में डिवाइड करना था टू से। तो ये सब हमारे पास में प्रिंट होकर के आ जाएगा कैसे? अब इसको हम वापस एक बार प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट एफ स्लैश टी, इसके अंदर दे देते हैं हम एरिया इक्वल टू परसेंट एफ, और ये आ जाएगा कितना? एरिया आई। ये हमने इसको रन करा दिया। इसको रन करा देते हैं। तो देखिए एरिया फर्स्ट वाले जो ट्रायंगल का एरिया निकल गया 3908, सेकंड वाले का निकल गया 5585, थर्ड वाले का निकल गया 6937। ऐसे पूरे के पूरे 6 के आइटम हमारे पास में निकल गए। अब हमें ये निकालना है कि लार्जेस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास में। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे हम, सेम प्रोसेस को वापस से फॉलो करेंगे। प्रिंट एप, एक न्यू लाइन हम डाल देते हैं ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ क्लियर क्लियर दिखे। फोर आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन सिक्स, आई कर दिया हमने प्लस प्लस। कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास में छह आइटम्स है तो उसमें ग्रेटर देन है या नहीं है इसको कैलकुलेट करने के लिए कैसे निकालेंगे? एक हमने यहाँ पे वैल्यू ले ली फ्लोटिंग टाइप की, इसके हमने डाल दिया
ग्रेटेस्ट या जी हमने बोल दिया, जी की वैल्यू हमने जो भी असाइन करनी थी सबसे पहले कर दी 0.0। हम मान के चलने के 0.0 सबसे ग्रेटेस्ट है। अब हम इसको 1/1 से कंपेयर करेंगे। इफ जी इज लेस देन किससे है, एरिया ऑफ आई से, तो हम क्या करेंगे, जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ आई। अदरवाइज पूरा प्रोसेस एज इट इज चलता रहेगा, उसके अंदर कुछ हमें चेंज नहीं करना। तो लास्ट में नीचे जाके हम क्या कर देंगे, प्रिंट एफ ग्रेटेस्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज कितना हो जाएगा, परसेंट एफ, और ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, जी, जो हमारे पास में जी के अंदर लिखा हुआ था। अब इसको हम रन कराते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखिए ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल के 8838, तो इसमें से जो भी हमारे पास में अवेलेबल था उसमें सबसे बड़ा जो ट्राइंगल था वो कितना था, 8838 वाला ही ट्राइंगल सबसे बड़ा था, तो वो इसने हमको निकाल के दी थी ग्रेटेस्ट। अब हमें ये भी निकालना हो कि जो हमारे पास ऑर्डर में दिया हुआ था जिसको मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो किस इंडेक्स के वैल्यू सबसे ग्रेटर देन थी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं, आई के साथ में एक और चीज ले लेते हैं, जे ले लेते हैं, उसको उसको असाइन कर दिया सबसे पहले हमने जीरो। तो जैसे हमने यहाँ पे चेक करा है कि वैल्यू जैसे अगर ग्रेटर देन होती है तो उसको हम चेंज कर देंगे, तो उसी तरीके से यहाँ पे जे की वैल्यू को भी चेंज कर देंगे, किसके साथ में, जो भी लेटेस्ट हमारे पास में आई की वैल्यू होगी, तो यहाँ लिख देंगे जे इक्वल टू आई, और नंबर भी अगर हमें बताना है तो हम लिख देंगे कितना, एंड ऑर्डर ऑफ ट्राइंगल इज परसेंट डी, परसेंट डी करा तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मेट स्पेसिफायर ये आ गया, तो जी हमने वैल्यू कर दी, इसको हमने रन करा दिया। तो फिफ्थ नंबर का जो ट्राइंगल था, मतलब फिफ्थ नंबर से क्या होगा, जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है, तो इसको जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो इसको हमें नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह करना पड़ेगा, तो इसके अंदर क्या करते हैं j+1, तो क्या कर देंगे, सिक्स नंबर का जो ट्राइंगल था वो सबसे ग्रेटर देन था, तो ये हमने पूरा पूरा ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया। तो एरिया का किस तरीके से यूज करते हैं ये हम यहाँ पे चेक कर चुके हैं। ओके, ये प्रोग्राम हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू।